अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो फॉर यू। 50x100 का ये प्लान है जो इसका कवर्ड एरिया 5500 स्क्वायर फीट है। आज इसी तमाम डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रंट एलिवेशन की पिक मैंने थंबनेल में लगा दी है, आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द विजिट। ये फ्रंट लॉन है इसका 13 feet 9 inches का। दोनों साइडों पे इसकी 5 feet की ओपन स्पेस है। ये आप विंडो देख सकते हैं ड्राइंग रूम की। ये मेन एंट्रेंस है और ये है इसका कार पोर्च का एरिया। आपको इस साइड पे भी 5 feet की ओपन स्पेस नज़र आ रही है दोनों साइडों पे, और बैक पे जो इसकी ओपन स्पेस है 7 feet 9 inches की है। ये हम मेन एंट्रेंस से एंटर हुए हैं। तो ये इसका लॉबी है इसकी। स्टेयर आपको सामने नज़र आ रही है और ये स्टेयर केस का सीलिंग। एंटर होते ही सामने से एक लॉबी और स्टेयर आ रही है। मेरे लेफ्ट पे डाइनिंग है और राइट पे ड्राइंग है। तो हम पहले डाइनिंग चेक कर लेते हैं। टाइल्स, इसका सीलिंग बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई नीड 1000 लाइक फॉर दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ये हमने डाइनिंग देख लिया। इसका डोर है जो स्टेयर से आप जब खड़े होते हैं तो आपको बाहर से स्टेयर नजर आती है, और जब स्टेयर के पास जाते हैं डाइनिंग अंदर से नजर आता है। तो मेरे राइट साइड पे ड्राइंग है। डाइनिंग से आगे बिल्कुल किचन था। ड्राइंग के बाद हम किचन को देखेंगे। तो पहले आप इसको ड्राइंग को देख लें। ये ड्राइंग रूम है, वुडन टाइल है इसमें। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको फ्रंट लॉन दिखाया था वो इस विंडो से नजर भी आता है, कॉर्नर की विंडो। ये सीलिंग है इसका और ये सामने फायर प्लेस। आगे चलें तो ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान ये थोड़ा सा इंटीरियर हुआ है, वुड वर्क हुआ है। ये वुडन आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आ जाता है जी टीवी लाउंज। सीलिंग टीवी लाउंज का, विंडो साइड ओपन स्पेस में और बाहर प्लांट्स लगे हुए जो कि नजर भी आता है इसमें से। और ये फानूस, एलईडी पॉइंट भी है। एलईडी पॉइंट मैं नजदीक से दिखा देता हूँ आपको। ये है जिसका एलईडी पॉइंट। फायर प्लेस ड्राइंग रूम में भी था और टीवी लाउंज में भी है। ये सीलिंग के सामने फायर प्लेस आपको नजर आ रहा है। टीवी लाउंज आगे जाए थोड़ा सा जाए तो किचन आ जाता है। किचन का दरवाजा खुलता है डाइनिंग में, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। ये किचन का डोर आप देख सकते हैं। किचन का इंटीरियर बहुत खूबसूरत हुआ है। किचन कैबिनेट्स बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने दी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सीलिंग किचन कैबिनेट्स आप देख सकते हैं। ऑल एसेसरीज फॉर किचन इसमें दी हुई है। इसके साथ डर्टी किचन भी है, उससे आगे डाइनिंग है। ये डर्टी किचन इसका, और वो जो सामने आपको रूम नजर आ रहा डोर नजर आ रहा है, ये डाइनिंग का है जो मैंने आपको दिखाया भी था। डाइनिंग डर्टी किचन जाके डाइनिंग आ जाता है। आगे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में 2 bedrooms हैं। इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ और डिफरेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको पसंद आएगी। फर्स्ट फ्लोर पे जाकर आपके साथ वो शेयर करूंगा। वॉलपेपर, सीलिंग, विंडो, एलईडी पॉइंट और उसके साथ अटैच वॉशरूम। दूसरे बेडरूम में चलते हैं। एलईडी पॉइंट इसका, यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। पहले ही इसका इंटीरियर किया हुआ है ताकि बेड आपका यहाँ इस जगह पे आ जाए। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। इसके बाद चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बाथ टब अटैच बाथरूम में देख सकते हैं आप। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो मैं आपके साथ वो बात शेयर करूँ जब आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था। ये पहले आप इसको देख लें, स्टेयर कैसा देख लें। यहाँ पे आके आप देख रहे हैं स्टेयर इस तरफ से ऊपर जा रही है, ठीक है। 3 steps हैं इसके, और इस तरफ यहाँ पे स्टेयर खत्म होकर मैं लेफ्ट साइड पे आ गया हूँ। तो ये लेफ्ट साइड का जो एक बेडरूम है, एक टेरेस है, और इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है ये 9 feet पे है, ठीक है। और जो स्टेयर ऊपर चढ़ रही हैं 3 steps के बाद, वो वाला मेरा राइट साइड वाला एरिया सारा 10 feet पे है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है।
मतलब पहला हिस्सा 9 फीट पे है, फिर दूसरा हिस्सा 10 फीट पे, और दो अलग अलग हिस्से हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे थोड़ी अलग चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप देखिएगा, ये मैं इसके साथ अटैच बाथरूम मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये भी 9 फीट पे है, ठीक है। ये आप सामने देखें, इसके साथ टेरेस भी है, ये पोर्च का हिस्सा है जिसके ऊपर टेरेस बना हुआ है। आगे चलते हैं जी 11 फीट वाले एरिया में, ये देखिए 3 स्टेप और इसके बाद ये वाला हिस्सा आ गया। तो वो 9 फीट वाला हिस्सा उधर रह गया, ये वाला 11 फीट वाला हिस्सा इधर आ गया। तो इधर आते ही पहले टीवी लॉन्च हो जाता है, इसका सीलिंग, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ स्टेयर केस के ऊपर, जहाँ से ये सीलिंग हुई है, ये स्टेयर केस का आप सारा ये देख सकते हैं। ये टीवी लॉन्च था, LED पॉइंट इसमें, सीलिंग, फानूस, और फ्रंट पे एक बेडरूम है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सीलिंग आपने जो टेरेस देखा था उस बेडरूम के साथ, इस बेडरूम में भी वो टेरेस नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसकी छत नीचे है, इसकी छत ऊपर है, ठीक है। तो इस बेडरूम के साथ भी वो टेरेस है, और इसके साथ अटैच वॉशरूम। आगे चलते हैं, ये आ गया जी एक और ओपन टू स्काई टेरेस, ये है हमारे किचन के लिए, क्योंकि किचन को वेंटिलेशन देने के लिए। वैसे तो वेंटिलेशन विंडो से भी हो सकती है, लेकिन इस घर में टेरेस 3 दिए हुए हैं, ये एक और सामने, तो इस किचन टेरेस लग रहा है, ये भी टेरेस लग रहा है, जो फ्रंट से दिखाया था वो भी टेरेस इसको लग रहा है। ये देखिए ये भी टेरेस है, और फ्रंट से जो भी दिखाया था वो भी था। तो आगे चलते हैं, इससे आगे बेडरूम है, तो वही वाला टेरेस इसके साथ बेडरूम के बेडरूम से भी नजर आएगा। सीलिंग, वॉलपेपर वॉल में, और ये टेरेस मैं दिखा देता हूँ आपको, जो किचन से भी नजर आ रहा था ये वाला, तो दोनों तरफ से इसको किचन से भी नजर आता है। टोटल मिला के 3 टेरेस हो गए इसमें, और 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।